बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हमारी जो लेबर है वो क्यूरिंग कर रहे हैं इस रिटेनिंग वॉल की। क्यूरिंग का जो फिनामिना है ये एक इम्पॉर्टेंट फिनामिना है। जब भी जहाँ पर कंक्रीट होती है, कंक्रीट पोरिंग, उसके लिए क्यूरिंग का जो काम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी वजह ये है कि अगर हम क्यूरिंग ना करें टाइम पर तो इसमें श्रिंकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन होना होता है और उस हाइड्रेशन का अल्टीमेट जो इम्पैक्ट है वो ये होता है कि आपका जो मैं सिंपल अल्फाज में कहूँगा जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है और कंक्रीट के अंदर जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए उस इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम यहाँ पर क्यूरिंग करते रहते हैं एटलीस्ट 5 डेज तक, जब हमारा कोई भी कंक्रीट हो जाए। स्पेसिफिकली जो छोटे सेक्शन है, यानी कि ये रिटेनिंग वॉल है या फिर स्लैब है, तो उसमें 5 से 7 दिनों तक अगर हम क्यूरिंग करें तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो जो श्रिंकेज क्रैक्स है उससे बच जाते हैं। तो ये हमारे जहाँ पर भी RCC के स्ट्रक्चर्स बनते हैं वहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि एटलीस्ट 5 डेज तक सर्दियों में और गर्मियों के मौसम में, इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो तो उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है।